बलरामपुर में महामहिम राज्यपाल द्वारा बच्चों में कुपोषण व टीबी रोग एवं शिक्षा पर जोर दिया। इसी क्रम में उन्होंने आशा कार्यकर्ता को महिला के प्रति जागरूक करने की सलाह दी। बच्चों में बुद्धि विकास कैसे किया जाता है, उन्होंने बताया कि जागरूकता से ही, जानकारी से ही समाजवाद इसकी तरक्की होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित टीबी रोग को 2025 तक खत्म करने की बात कही। वह कार्यक्रम का समापन होने के बाद गणमान्य सदस्यों के साथ मीटिंग करके जिला जेल के लिए प्रस्थान किया। आदरणीय राज्यपाल महोदय के हर कार्य में देखते हैं, विशेषकर मैं मैडम को बधाई देना चाहूंगा कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो पहल की है, जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें अपने विश्वविद्यालयों को कॉलेजों को जोड़ा है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश पुनः अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी दस्तक दे रहा है और बड़े परिणाम उसमें हम लोग को मिल रहे हैं। माननीय विधायक तुलसीपुर आदरणीय श्री कैलाश नाथ शुक्ल जी, आपका बहुत आभार। आदरणीय विधायक श्री पलटू राम जी, आपका भी बहुत आभार। जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती जी, आदि जी मुझे बता दी थी कि आप अपने एमएलके विद्यालय की ही छात्रा हैं, और मैं अपना समय याद कर रहा था कि बलरामपुर से मेरा नाता बहुत पुराना है, पिछली सदी का नाता है। 1999 में मैं पुलिस अधीक्षक था और इसी सुंदर कॉलेज के सुंदर प्रेक्षागृह में 2-3 बार कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने का मौका मिला। कई बार पुलिस की थी, कई बार आपकी थी। मेरे लिए आज ये बहुत खुशी का मौका है, संतुष्टि का मौका है। मैं वापस अपने घर आया हूँ और आपके स्वागत सम्मान के लिए बहुत आभार और धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।